हाँ जी सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है जी सारे उड़ान इंस्टीट्यूट कल तो सैशन चैप्टर वाइज कल साडा पहला लैक्चर सी। बाकी देखो सारे ही आओ आप करिए अज दे क्वेश्चन क्वेश्चन साढ़े को पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा के संदर्भ के हाथी दंद का पैमाना जरा वह कितने मिलया जी। जानते हो कि बई हड़प्पन लोग सी जेडे वह मापन तोलन तो जाणू सी है ना, ये जोदलो तो भी काली बंगा तो भी सानू जो है हड़प्पा तो जेडे उन्होंने मापन के पैमाने वह हाथी दंद के बने हुए है ना, ये तो बिना वो टैराकोटा के भी कासे के भी कॉपर स्केल भी सानू मिले काम। इतने सानू पूछा जा रहा कि हाथी दंद का पैमाना जरा वो सानू कितों मिले, हाथी दंद का पैमाना जी जरा सानू मिले टोथल तो बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। अगे जी नैक्सट अगला क्वेश्चन हैगा कि हड़प्पा के स्थान ਕਿਹੜੀ ਧਾਤੂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਧਾਤ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਹਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ, ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੇ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਪੰਜੀ ਖੇੜਾ ਤੋਂ। यूपी के जगह जी जिथों सानू दोहे दे सब तो पुरातन संकेत मिलते हैं, ये समा लगभग 1150 BC अंदाजन समा है, उत्तर वैदिक काल नाल संबंधित समा तो हड़प्पण वेले लोहा नहीं। अगे जी हेठ लिखे स्थानों विचों केड़ा स्थान घग्गर घाटी के नाल जिहड़ा हैगा वह संबंधित है, घग्गर दरिया जिहड़ा हौली हौली हुणे दरिया अलोप हुंदा जा रहा तां इस दरिया नाल संबंधित किहड़ा स्थान जा रहा है ना, तां घग्गर नाल जुड़िया होया बनवाली बनवाली। नैक्सट है जी साडा नैक्सट क्वेश्चन धौलावीरा, धौलावीरा किहड़े राज दे दित्ता जी, धौलावीरा जिहड़ा हैगा ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਭਗ 250+ ਸਾਈਟ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਟ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਥਲ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਨ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਟੂ ਪਾਰਟਸ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਧੌਲਾਵੀਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੜੱਪਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਖੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਟਾਡਲ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਉੱਪਰੀ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਲੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਸੀ, ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਓਪਨ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਲੀ ਬੰਗਾ ਦਾ ਹੇਠਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿਲੇ ਨੁਮਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਪਰ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਚੁਣ ਹੋਦਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਲੇਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਹੇਠਲਾ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਸੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜੀ ਹੜੱਪਾ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਲੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵਾਟਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਧੌਲਾਵੀਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਈ ਐਡਵਾਂਸ ਡਰੇਨ ਸਿਸਟਮ, ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਤਲਾਬ ਕੁੰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ, ਜਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਵੀ ਧੌਲਾਵੀਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ
कपड़े लई जां कपाह की खेती सब तो पहला किन्ना ने शुरू की? कपाह की खेती सब तो पहला तुसी जानदे हो भी इंडिया भारत ने शुरू की आ, इंडस वैली सिविलाइजेशन दे कपाह की खेती शुरुआत हुई आ। जदों कपाह की खेती दी इत्थों शुरुआत हुई आ तां इह ग्रीक जांदी आ वपार राही, है ना। ग्रीक लोगों ने यूनानी लोगों ने इहनू आख्या सिंडन, आख्या क्वेश्चन आया होया पहला सिंडन। अगे जी हेठ लिखियां थावां विच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन नाल संबंधित जगह कि जिथों बल्द मोर मिली आ, ठीक है जी। तो बल्द नाल संबंधित मोर कि किथों मिली आ, इत्थे आपां इस नूं हल करना। इहदा सही हैगा जी मोहनजोदड़ो बल्द मोहर। अगे जी हेठ दित्ते जानवरां विच्चों किहड़ा जानवर हड़प्पण मोर ते नहीं दर्शाया गया? इन्हां दे विच्चों हॉर्स घोड़े नूं नहीं दर्शाया गया। घोड़ा वैसे भी देरी नाल मिलिया होया जानवर आ, देरी नाल जाणिया घोड़े नूं, जिहड़ी आपां गल कर रहे सी इंडस वैली सिविलाइजेशन क्वेश्चन दी चोदड़ो उहदे विच्चे कंसैप्ट दिखाया गया घोड़े बारे उहनां लोकां। ठीक है जी गां दा भी कल एक क्वेश्चन आपां कीता पर भी नहीं सी उह जाणदे, घोड़े दा भी जिक्र किस घाटी की सभ्यता में किहड़े जानवर के अवशेष नहीं मिले? ना इत्थे अवशेषा की गल आते आप ही है कंसैप्ट शेर, शेर बारे कोई भी अवशेष मिले तो गां दे भी नहीं पर बल्द सी। आप मानते हैं कि गां पूरा एग्जिस्ट करती हो, घोड़े के सुरकोटड़ा वगैरह तो मिले, एलीफेंट गोदड़ा तो मिले, सारे मिले। एक सही प्रणाली में लिखन की कला विकसित करने वाली पहली प्राचीन सभ्यता केड़ी सी? सब तो पहली जिहड़ी रिटन स्क्रिप्ट बनाई गई है वह किन्हां ने बनाई है? सुमेरियंस ने बनाई है जी। जिहड़ी ये सुमेरियन सभ्यता, यह सभ्यता मैसोपोटामिया का ही एक हिस्सा, ठीक है जी। हाँ सुमेरियन सभ्यता। अगे जी हड़प्पा सभ्यता की खोज कदों हुई है? यह बड़ा सौखा दया राम सानी ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने आम तौर पर अपना घर कादे नाल बनाया सी? पक्कियां ईंटां दे बने हुए घर सीगे जी। इंडस पहला स्टोन एज दे विच घाह फूस ईंटां दा प्रोसैस होंदा ते पक्कियां ईंटां तों इंडस वैली सिविलाइजेशन दे विच पक्कियां ईंटां, है ना। अगे चलते सिंधु घाटी के लोग इन्हां चों किहदे नाल जिहड़े हैगे व्यापार करदे सी? चीनियां नाल, पारथियंस नाल, रोमनस नाल, ते मैसोपोटामिया। मैसोपोटामिया नाल इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार सीधा ये सू मैसोपोटामिया दो शहर ने सुदा ते उर सानू साडी सभ्यता सभ्यता दीआं उरां मिलीआं ऐसे तरीके नाल मैसोपोटामिया तो व्यापार जिहड़ा बहरीन वगैरह तो होंदे। सारे साथियों रिक्वेस्ट आ प्लीज़ तुसी लाइक शेयर जरूर करो। हाँ जी लोकल नेम की है जी मोहन जोदड़ो का? इन्वेस्टिगेटर दे विच क्वेश्चन आया सौखा क्वेश्चन आ मुरदियां दा टिल्ला। आंसर सही आंसर आ जी जिहड़ा लोकल नेम। अगे जी मोहन जोदड़ो की खदाई विच मिली एक नचदी कुड़ी डांसिंग गर्ल, इहदी जिहड़ी मूर्ति आ स्ट्रक्चर आ किहदा बनिया होया? ये ब्राउनस का बनया होया जी। मोहन जोदड़ो दे विच्चों कासे की बनी हुई एक मूर्ति मिली है जिन्हों द डांसिंग गर्ल कहा जाता गा। यह मूर्ति अजकल इंडिया के नैशनल उच्च कोटि की कला शैली की बनी हुई है जी, ब्राउनस की बनी हुई है। सिंधु घाटी की सभ्यता लई जानवर जानवर नहीं जाने जाता सी तो सिंपला जी जिराफ बारे वो नहीं, बाकी सारे बारे। नैक्सट जी अगे हड़प्पा समय का एक तांबे का राथ लभ्या जी, तांबे का राथ कॉपर कैरट कितों लभ्या जी? दाइमाबाद तो लभ्या जी, जिहड़ा कि हड़प्पन सभ्यता की दक्षणी सीमा दाइमाबाद महाराष्ट्र के तांबे लिए मशहूर कासे ते दाइमाबाद तांबे का एक राथ लभ्या। अगे जी हेठ लिखियां साइटां विचों जिथों मशहूर जिहड़ी हैगी आ बुल्स स्टैंप मिली है जी वह मोहन जोदड़ो, आपां पहले ही गल की बुल्स स्टैंप। वैसे इत्थे एक कन्फ्यूजन भी है, हड़प्पा भी
क्योंकि बुल जो बुल स्टैंप्स ने हाँ वो कई तरह स्टैंप्स ने गूगल करके देखो अलग अलग बन आला अलग हाँ मोहन जोदड़ो भी हड़प्पा भी पर सही है जरा आप कि वाल जावे जोदड़ो वाल जा अगे जी आह क्वेश्चन आप पहला कर चुके हैं आप दोबारा नहीं करा मैच करना आप कल भी एक हाँ जी आह कुछ क्वेश्चन नैक्सट इतने साढ़े को क्वेश्चन पूछा जा रहा कि खुदाई किते तो जोड़े सबूत मिलते हैं उन्होंने आधार से जानवर का पालन पोषण कदों शुरू होया है ना लोअर पैलियोलिथिक च मिडल च अपर पैलियोलिथिक च लोअर पैलियोलिथिक मतलब कि प्रांतन पत्थर युग की गल की जा रही है ज मैसोलिथिक पीरियड मैसोलिथिक मध्यकालीन पत्थर युग तो डी सही है जी मध्यकालीन पत्थर युग के पशु पालन की शुरुआत हुई है। अगला क्वेश्चन किड़ी साइड तो पशु पालन के सबूत मिलते हैं जी हेठ लिखिया बच्चों केड़ी साइट तो पशु पालन के सबूत मिलते हैं है ना तो बैगोर बैगोर तो पशु पालन के सबूत मिलते हैं राजस्थान के जगह जितों सानू मुढ़ले मैसोलिथिक साइट है जितों मिलते हैं। ये क्वेश्चन पत्थर युग के अनाज की काश्त सब तो पहला किड़े युग के शुरू हुई है न्योलिथिक दे विच हुई है जी फसलों की शुरुआत नवीन पत्थर युग के जो मनुख उगा नवीन मध्यकालीन पत्थर युग के अंत च नवीन पत्थर युग की शुरुआत दे जड़ा हैगा फसलों की शुरुआत हुई है। अगे जी अनाज की काश्त सब तो पहला कित्थे शुरू हुई है जी कुछ ना पंजाबी यदि गलत है सॉरी द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया रुखी जीवन की जेडे मुढ़ले अंश ने भारत के कितने मिलते हैं नर्मदा वैली के मिलते हैं जी बालक हिल्स नर्मदा वैली तो डी ऑप्शन सही है जी नर्मदा घाटी च क्योंकि दुनिया के मनुखी जीवन शुरुआती तो अफरीका दे पर भारत के नर्मदा घाटी के अगे जी मनुख द्वारा वरत्या जाने वाला पहला अनाज केड़ा सीगा ये तो तुसी सारे ही जानते हो कि मनुख द्वारा पहली जिहड़ी फसल आ वह केड़ी वरती गई आ तो वह जौ आ जी बारले जौ मनुख द्वारा वरत्या गया पहला अनाज उस साइट का नाम दसो जिसकी जिसने सैटल जीवन के सब तो पुराने सबूत प्रगट किए मतलब कि जिथे मनुख जिहड़ा सैटल घर बना के रहन लग गया ठीक है जी मेहरगढ़ एक ऐसी जगह जिसे मनुख घर बना के रहन दे सब तो पुरातन अंश मिल पाकिस्तान अज यह जगह है। अगे जी भारतीय उप महादीप खेतीबाड़ी के सब तो पुरातन सबूत कितों प्राप्त हुए ने जी खेतीबाड़ी के सब तो पुरातन सबूत भारतीय उप महादीप के सब तो जिथे खेती पुरातन रूप से मिली है सानू वह भी मेहरगढ़ ही है जी मेहरगढ़ डी ऑप्शन सही ऑप्शन है ठीक है जी ये चलते हैं जी हेठ दिते दौर विचों किसनों कैलकोलिथिक एज कहा जाता कैलकोलिथिक एज केड़ी आ जिहड़ी कॉपर एज आ जी कैलकोलिथिक एज कॉपर एज नूं कहा जाता गा जदों 3000 BC लगभग कॉपर दी इस जो कॉपर का समान आ जो सू ज्यादा मिलते कैलकोलिथिक भीम बेटका जानते हो कि भीम बेटका दिया गुफावं ने जिस जी के सोर्स ने स्टोन एज वख वख एज बड़िया मशीन ने कहे फेमस आ जी रॉक पेंटिंग वेद पेंटिंग्स की गई है पुरातन समय भारत के पहला जेंडर सिस्टम बेटका दिया गुफावं जिस मर्द को शिकार करते हुए दिखाया गया औरत को घरे खाना पकाते हुए दिखाया गया तो इतों जेंडर जो रोल्स ने डिफाइन सब तो पहला सबूत भीम बेटका हेठ लिखिया बच्चों के स्थान पूर्व इतिहासक जानकारी पूरा गल की भीम
इंपॉर्टेंट आ, ये क्वेश्चन आते रहे बिंदे ने। भीम बेटका दिया गुफावां है कितने? अब्दुल्ला गंज राय सिंह एम पी ने जी, यह डी ऑप्शन सही है जी। हाँ जी इतने साडा जिहड़ा हैगा अज दे इह क्वेश्चन होंदे ने समाप्त। कुछ क्वेश्चन आप कल दी क्लास दे विच कर ले सी, रहिंदे क्वेश्चन क्लास दे विच कर लिया। प्लीज़ सारे जने लाइक शेयर जरूर करो। तो जिहड़े साडे स्टूडेंट ने उन्हां दा पहला टैस्ट सी इह, असीं टैस्ट कर लिया। तो हुण जिहड़ा जिहड़े साडे नाल क्लास करदे आ कि साडे बैचेस साडे नाल जुड़न नाल मिल के ਕਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅੱਜ ਲਈ।